Exercise 5.3, question number 11. Sum of antrum is 4n minus n square. It is given. इसमें हमको फाइंड करना है व्हाट इज सम ऑफ वन टर्म, यानी कि s1 फाइंड करना है. तो n की जगह 1 पुट कर देंगे तो s1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर. 4 वन जा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3. तो s1 आ गया 3. उसके बाद हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. अब s1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म, एक ही टर्म का सम. तो इसमें s1 a1 के इक्वल होगा क्योंकि एक टर्म का तो कोई सम होता नहीं है. तो s1 को हम a1 कह सकते हैं, a1 इक्वल टू 3, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 आ गई. अब हम इसमें n की जगह 2 पुट कर देंगे तो s2 n sn का मतलब s2 4n 4 इंटू 2 माइनस n स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 टू जाए 8 8 माइनस 4 8 माइनस 4 कितना होता है 4. तो ये आ गया सम ऑफ टू टर्म इक्वल टू 4. तो s2 को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ टू टर्म, यानी कि a1 प्लस a2 और सम ऑफ टू टर्म्स है इक्वल टू 4. अब हम a1 की जगह हम 3 लिख देंगे और प्लस a2 की जगह a2 इक्वल टू 4, तो a2 इक्वल टू 4 माइनस 3, तो a2 इक्वल टू हो गया 1. तो अब हमने a1 भी निकाल लिया, a2 भी निकाल लिया. ये ध्यान रखेंगे s2 a2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि s2 होता है सम ऑफ टू टर्म a1 प्लस a2. अब हम d फाइंड करेंगे क्योंकि a1 a2 तो फाइंड कर लिया. तो d का फार्मूला a2 माइनस a1, a2 अभी अभी हमने फाइंड किया था 1 और a1 था 3, 1 माइनस 3 d हो गया माइनस 2. उसके बाद स्टेटमेंट में आगे लिखा है फाइंड थर्ड टर्म a3 फाइंड करो. a3 का मतलब an, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, a प्लस 2d. ए की जगह हमने पुट कर दिया 3 प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह पुट कर दिया माइनस 2. तो 3 प्लस 2 को माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना होता है माइनस 1. तो ये ए 3 आ गया माइनस 1. उसके बाद हम फाइंड करेंगे टेंथ टर्म ए 10. फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 90. ए की वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस 9 इंटू डी, डी की जगह माइनस 2, 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 हो गया माइनस 15. उसके बाद हमको फाइंड करना है nth टर्म, यानी कि an. फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह 3, n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह माइनस 2. 3 प्लस माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2n और माइनस 2 को माइनस 1 से प्लस 2. तो ए एन इक्वल टू 3 और 2 होता है 5, 5 माइनस 2n. ये आ गई nth टर्म, ये आंसर है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 6. 6 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो 6 से डिवाइड कौन कौन सी होंगी, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18. हमने ओनली 3 लिखी हैं, है कितनी है 40, तो नंबर ऑफ टर्म होगी 40. तो इन 40 टर्म्स का हमको सम करना है, ऐड करना है. तो ए फर्स्ट टर्म कितना है 6, डी कितना हो गया ए टू माइनस ए वन, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6. सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह 40 पुट कर देंगे एस 40, एन बाई टू 40 बाई टू इंटू टू ए, ए की जगह 6 प्लस एन माइनस वन, 12 माइनस वन इंटू डी, डी की जगह 6. 40 बाई टू होता है 20, 2 6 जा 12, 40 माइनस वन होता है 39 मल्टीप्लाई 6, 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई 234. एस 40 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 12 में 234 ऐड कर देंगे 246, दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे 4920. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द सम ऑफ एन टर्म
फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीपल्स ऑफ 8, जो 8 के मल्टीपल हो, मतलब 8 के टेबल में आते हों, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 20, तो हमको 15 के 15 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 3 ही काफ़ी हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 15, ए फर्स्ट टर्म हो गया 8, डी कॉमन डिफरेंस a2 - a1 16 - 8 = 8, तो सम ऑफ एन टर्म n इज इक्वल टू n/2 (2a + n-1)d, n की जगह 15/2 (2a, a की जगह 8 प्लस n माइनस 1 (15 - 1)d, d की जगह 8, 15/2 (2 8 = 16), 15 में से 1 का 14 × 8, 15/2 (16 + 14 8 = 112, 15/2 (128), 128 को 2 से डिवाइड करो 64, 64 × 15 = 960। तो ये आ गया सम ऑफ 15 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाई 8 या मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के जो मल्टीपल होते हैं वो 8 से डिवाइड भी होते हैं।